रोहित शर्मा 61 और 54, 8 चौके 2 छक्के। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। जब सेट हो जाए ना तो फिर ऐसे लगता है अरबी का टीचर आ गया। हमारा मैथ का होता था। आज इंडिया ने एंड कर दिया और बताया कि जब आप नेदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं तो फिर आपको इस तरह से खेलना चाहिए। इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। ये नहीं है कि नेदरलैंड्स आई है तो चेंजेस कर ले, नेदरलैंड्स आई है तो कोई सेंचुरी ना बनाए, बल्कि उनको और थ्रेटा लगाया उन्होंने। इंडियन बैट्समैन कर क्या रहे हैं, कौन रोकेगा, क्या हो गया रहा क्रिकेट में? सर ये अब कोई भी नहीं रोकेगा। उसकी रीजन ये है कि देखें वो अपनी कंट्री के साथ सनसेर होकर खेल रहे हैं और सारे के सारे मैचेस इंडिया ने जो है वो वन साइडेड मैच जीते हैं। ये होती है भाई साहब चैंपियन टीम। तो समझ नहीं आती कि इतना टैलेंट आता कहां से। हमारे पाकिस्तान को देख ले, कुछ भी नहीं कुछ कर रहे हैं। हमारा जो टॉप बैट्समैन है उसने कुछ भी नहीं किया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारत ने नीदरलैंड को मार मार के दुम्बा बनाया। दोस्तों भारत की तरफ से शानदार बैटिंग करते हुए विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर ने पूरी नीदरलैंड टीम को बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों इस वक्त भारत को टक्कर देने वाला कोई भी टीम अभी तक नहीं आई है। भारत की शानदार बैटिंग देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की जमकर तारीफ करी, कहा भारत दुनिया के सबसे बेहतरीन और नंबर वन टीम है और भारत को भारत में हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोस्तों इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आज इंडिया ने एंड कर दिया और बताया कि जब आप नेदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं तो फिर आपको इस तरह से खेलना चाहिए, इस तरह से खेलना चाहिए। और आज जो कमाल किया है इंडिया ने पहले बल्लेबाजी में, आपको हर मैच में एक डिफरेंट हीरो नजर आ रहा है, डिफरेंट स्टार्स नजर आ रहे हैं और किसी एक के ऊपर उनकी जो है वो ये मतलब इतनी कमाल की टीम इस वक्त बन गई है इंडिया की। मैं ये समझता हूं कि शायद हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट में इतनी बैलेंस्ड, इतनी फिट और माशाल्लाह से इतनी हाईली परफॉर्म करने वाली टीम मैंने इंडिया की नहीं देखी। अब देखिए कि हर बंदा परफॉर्म कर रहा है, एक टीम के तौर पर, एक जबरदस्त टीम के तौर पर सामने आई है। बॉलिंग में एक एक बॉलर परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए ये नहीं है कि हमारी तरह हम कहते हमारा शाहीन देख लेगा, हमारा फलाना देख लेगा, हमारा नसीम गया, सारी की सारी टीम फारिग हो गई, खत्म। इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है 9 के 9 मैचेस जीते हैं। अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं, जो खासतौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट हैं। और इस पर इंडिया से जवाब भी काफी सख्त आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, इस तरह की तनकीद पे ना दे। तो वहां भी क्या इस तरह की बातें हो रही हैं? हाँ ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गॉल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, तो यही फर्क है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है, ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट। और लगता है कि यू नो डॉक्टर्ड है ये जो जो क्रिकेट के बॉल्स हैं या जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुँचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। रोहित शर्मा 61 और 54, 8 चौके 2 छक्के। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्परर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी। यू नो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारते हैं। ये ऐसा बैटर है कि 5 बॉलर्स होते हैं ना ऑपोजिशन में, तो 5ों को पीटता है। जो बाकी वसीम भाई ने नाम लिए है ना, वो 5ों को नहीं मारते, वो 3 को मारते हैं, फिर 6ठे 7वें को मारते हैं, ये 5ों को मारता है। ये ऐसा इसलिए गेम का वो क्या कहते हैं पंजाब में, टेम्पो ही चेंज कर देते हैं आते हैं। हाँ जी, टेम्पो बॉलरों को या ऑपोजिशन को परथू अपने पड़ जाते हैं। वो हम लोग स्कूल जाते थे ना तो अरबी के जब टीचर आते थे असी सीधे हो जाते थे। ये वो वाला हिसाब है, ये जब सेट हो जाए ना तो फिर ऐसे लगता है अरबी का टीचर आ गया। हमारा मैथ का होता था। मेरा भी मैथ का ही होता था। सर लाल दीन क्या बात, ये बात है। Oh my God!